हेलो फ्रेंड्स, ऑल आर डूइंग वेल। आई एम भावेश और आज सभी के लिए लेके आए हम दोस्तों अग्निवीर योद्धा बैच। इस बैच में दोस्तों आप सभी के लिए मैथ के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के, वो सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम चलते हैं आपको क्वेश्चनों पर लेके। ठीक है, क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा परसेंटेज के बारे में। ठीक है, आप सभी यहां पर बड़े ही फोकस के साथ पढ़िएगा दोस्तों। इसमें पहला आपको मैं बता के चलूंगा कि प्रतिशत है ना या परसेंट क्या होता है। ठीक है, यहां ये दो वर्णों से मिलके बना होता है, एक तो पर और एक दोस्तों क्या सेंट। सेंट सभी जानते हैं, सेंट का मतलब होता है दोस्तों 100 एंड पर मतलब दोस्तों क्या होता है प्रति। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रति सौ पर फाइंड की गई वैल्यू ये आपकी दोस्तों क्या होगी परसेंट होगी। ठीक है, जैसे इसे दोस्तों परसेंट को डिनोट किया जाता है इस चिन्ह से। ठीक है, ये जो चिन्ह है दोस्तों, इस चिन्ह को यदि आप भिन्न है ना किसमें भिन्न में अगर चेंज करोगे आप इसे बोलते हैं भिन्न। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, परसेंट को भिन्न में चेंज करना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा 1/100 या भाग करना पड़ेगा दोस्तों 100 से। और ये जो भिन्न है दोस्तों, इस भिन्न को आपको परसेंट में चेंज करना है तो परसेंट में चेंज करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको गुणा 100 से। अरे बात क्लियर हुई, जैसे मैंने बोला ये 25% है, ये वैल्यू 25% है और इस वैल्यू 25% को आप भिन्न में कन्वर्ट करिए, तो भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आपको भाग देना पड़ेगा और 25 × 100 तो दोस्तों कितना आ गया 1/4। ये क्या आ गई, भिन्न आ गई। ऐसे ही आपसे बोलता है कि ये बताओ कि 1/5 ये क्या है भिन्न है, इसे परसेंट में चेंज करना है तो मैं बोलूंगा इसमें आप क्या कर दो 100 से गुणा कर दो। जैसे ही आप 100 से इसमें गुणा करेंगे तो दोस्तों आपके पास क्या जाएगा 20%। ये वैल्यू क्या है दोस्तों परसेंट है और ये वैल्यू दोस्तों आपने किसमें चेंज कर दी फ्रैक्शन में और ये वैल्यू दोस्तों किसमें चेंज की परसेंट में। यही छोटा सा तरीका होता है आपका परसेंट को भिन्न में और भिन्न को परसेंट में चेंज करने का। ठीक है, फटाफट से इसे उतार लीजिए, यहां लिख सकते हो कि ये परसेंट है और ये दोस्तों क्या है भिन्न है ना। जब आप परसेंट को किसी भिन्न में चेंज करोगे तो दोस्तों कितने से भाग करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको भाग करना पड़ेगा दोस्तों 100 से। और जब आप भिन्न को दोस्तों किसी परसेंट में चेंज करोगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा दोस्तों किससे 100 से। ये बात आप सभी को एकदम क्लियर और क्रिस्टल हो जानी चाहिए। ठीक है, फटाफट से जो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है आपके सामने से उतार लीजिए। अगला सिनेरियो देखते हैं क्या बनता है इसमें। देखो क्या सिनेरियो बनता है इसमें, आप सभी के साथ इसमें बोल रखा होगा जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड 1/7। ठीक है, उसके बाद 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 एंड 1/13 है ना। वैसे आता नहीं है 13 वाला, फिर भी हम लिख देते हैं 1/13। ऐसे ही 1/14, 1/15, चलो आगे तक क्या जाएंगे अभी एक दो ले लेते हैं, 1/20, 1/25, 1/50, कुछ इस टाइप से कुछ आता है। ठीक है, अब ये सारी की सारी आपके सामने जो वैल्यू है ये दोस्तों क्या है भिन्न ही तो है, अरे संख्या भिन्न ही तो है ये। ठीक है ना, तो इस संख्या को हमें चेंज करना है दोस्तों परसेंट में तो हम कितने से गुणा करते हैं दोस्तों 100 से। अब इसमें तुम 100 से गुणा करोगे तो ये दोस्तों वैल्यू किसकी होती है 100%। ये वैल्यू कितने की होती है दोस्तों, ये वैल्यू होती है 50%। ये 1/3 सॉल्व करोगे 33 से ही 1/3%। ठीक है, 1/4 ये वैल्यू होती है दोस्तों 25% की और ये 1/5 दोस्तों 20% की वैल्यू होती है और ये 16 × 96 मतलब 16 से ही 2/3% की ये वैल्यू होती है। ऐसे ही दोस्तों 1/7 को आप क्या करोगे सॉल्व करोगे तो 1/7 की जो वैल्यू होती है ये दोस्तों 14 से ही 2/7% होती है। ये आप
बड़े ही ध्यान से अपनी कॉपी पे क्या करते जाना, नोट करते जाना। 1/8 की जो वैल्यू होगी दोस्तों 12 सही 1/2% होगी, और 1/9 की हम बात करेंगे 11 सही 1/9%, 10% 1/10 जानती हैं सभी क्या होता है, 10% होता है। 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11% होगी। 1/12 की मैं अगर बात करूं 8 सही 1/3% होगी, और 1/13 अगर बात कर लूं तो 7 सही 9/13, ये सारी परसेंट में आ गई। ऐसे 1/14 की हम अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 7 सही 1/7%, सॉरी 1/15 6 सही 2/3%। अगर यही मैं 1/20 की वैल्यू अगर निकालता हूं तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 20%, सॉरी 5%, सिली मिस्टेक, ओके ये हो गई 5%। और दोस्तों 1/25 4%, और 1/50 कितना हो गया दोस्तों 2%। ये जो सारी जो आपके सामने जो सारणी बनी हुई है सिनेरियो, इसे फटाफट से उतार लीजिए और आगे चलते हैं। ये चीज आपको क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं, इसी में अगला क्या है दोस्तों, जैसे मैं बोलूं कि यहां ये प्रतिशत है, और परसेंट को आपको किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। परसेंट को किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो यहां पर जैसे ये है दोस्तों 55%, तो 55% को भिन्न में चेंज करोगे तो 55/100 कितना आ जाएगा 11/5 × 10 = 20। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, भिन्न बन गई। ऐसे ही आपके सामने जैसे यहां ऐसे बोल सकता है कि भिन्न को परसेंट में चेंज करके दिखाओ हमें, तो दोस्तों जैसे आपके सामने आ गया 3/7, तो क्या आप 3/7 को सॉल्व कर पाओगे, ऑब्वियस कर पाओगे। देखो इसे हमने अभी जो साड़ी बनाई है तो मैं कहां यूज होगा, जैसे 3 × 1/7 कर लो, और 3 × 1/7, और 1/7 की मैंने आप सभी को यह वैल्यू बताई थी, तो 1/7 की जो वैल्यू होती है वो दोस्तों कितनी होती है 14 सही 3 × 14 सही कितनी होती है दोस्तों 14 सही 2/7%। अब आप इसमें सीधा सीधा क्या कर दोगे, अंदर गुणा कर दोगे, 14 × 3 = 42 और 3 × 2 = 6/7, ये आपकी वैल्यू आ गई। अरे ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो क्वेश्चनों को सॉल्व करते। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि 3/5 की वैल्यू बताओ, तो 3/5 की वैल्यू तो हमें नहीं पता 3 × बट 1/5 की तो हमें वैल्यू पता है, तो कितनी हो जाएगी 3 × 1/5 को परसेंट में चेंज करना था 60%, कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 20%, तो कितना आएगा 20 × 60% आंसर आ गया 60%, ठीक है उतार लो से फटाफट। और इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 114 सही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है। अरे ठीक है 14 सही 2/7%, देखो अब क्या करना है आपको, 114 को कैसे लिख सकते हो 100 + 14 सही 2/7%। 114 सही 2/7% को आप लिख सकते हो 100 + 14 सही 2/7, आप सभी को पता है कि 100% की वैल्यू 1 होती है, प्लस 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है, 7 × 7 = 8/7 आपका ये क्या आ गया दोस्तों आंसर। अरे आप सभी को क्लियर है ये चीज, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब देखो एक और भी देख लेते हैं तरीका, जैसे ये बोल रखा है 26 सही 2/3%, 26 सही 2/3% को कैसे सॉल्व करोगे। देखो एक चीज और मैं यहां बता के चलूं, यदि सपोज करो आपके सामने आ गया 2 सही 1/4, तो दोस्तों ये क्या है तुम्हारी फ्रैक्शनल है, कौन सी है ये मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 + 1/4, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये 4 × 2 = 8 और 1 = 9, 9/ कितना आ गया दोस्तों 4, क्या आपको क्लियर है। तो ये हमने क्या किया इसमें कि इसका इसमें गुणा किया 4 × 8 और इसको क्या कर दिया दोस्तों ऊपर वाली से जोड़ दिया। ऐसे यहां करोगे 6 × 3 = 18, देखो 6 × 3 = 18 और 3 × 2 = 6 और 1 = 7, 78 + 2 भाई कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3, और ये कितने होते हैं 80, 80/ कितना हो गया
परसेंट। अब ये परसेंट को भिन्न में चेंज करना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा, और जब आप भाग करोगे दोस्तों 100 से तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 जाएगी और 2 दुनी 2 पन्ना 10 और ये 4 बार कट जाएगा तो नीचे बच जाएगा 4/5 = 15। ये आपका क्या दोस्तों, भिन्न में चेंज हो गया। सभी को ये चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, एकदम क्रिस्टल हो जानी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन आपको बड़े ही आसानी के साथ बनेंगे, ठीक है, इजाजत हो तो इस चीज को मैं क्या कर सकता हूं, रफ कर सकता हूं, ठीक है, ठीक है। देखो अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज और आपसे डिस्कस कर लूंगा तो आपके लिए बहुत ही क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कोई भी संख्या 20% बढ़ती है, 20% बढ़ने का मतलब यह दोस्तों क्या है, 20/100। ऐसे सॉल्व करोगे परसेंट आओगे 100 से भाग, यहां देखोगे दोस्तों काट पीट करोगे इसकी तो 1/5, यहां देखोगे कि 100 की जगह पे 5 और 20 की जगह पे क्या आया है, 1। मतलब क्या हुआ कि 20% संख्या बढ़ रही है, मतलब 100 पे 20 बढ़ रही है, या बोल सकते हो 5 पे कितनी बढ़ गई, 1। मतलब पहले संख्या क्या थी, 5 थी, और अब संख्या दोस्तों कितनी हो गई है, 6। इस संख्या ये जो 5 है बटे में जो है डिविजन में जो वैल्यू है इसे दोस्तों बोलते हैं मूल संख्या। क्या बोलते हैं, मूल संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल संख्या या प्रारंभिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक संख्या, ठीक है, प्रारंभिक संख्या। ये आप बड़े ही गौर से देखिएगा, ठीक है। अगर यही बोल देता है 16 से ही 2/3% कोई वैल्यू बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 16 से ही 2/3% कोई वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये बढ़ रही है ना, इसका मतलब है 1/6, मतलब पहले वैल्यू 6 थी, बढ़ के कितनी हो रही है, 7 हो रही है। आपको इसी मेथड से क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसको दोस्तों बोलते हैं रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं, रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं, रेशियो मेथड। देखो यहां से कितना हो गया 5/6 और यहां कितना हो गया 6/7, और इससे सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो जैसे ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से ही 2/3% जोड़ते हैं, 16 से ही 2/3% क्या कर रहे हो आप, जोड़ते हैं मतलब बढ़ा रहे हो संख्या। यहां 16 से ही 2/3% की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 1/6 है, पहले संख्या 6 थी, बाद में बढ़ के कितनी हो गई, 7, और यहां पर दोस्तों बोल रहा है तो हमें 8610 प्राप्त होते हैं, मतलब 7 प्राप्त हो रहा है, 7 की वैल्यू कितनी है, 8610 है, आपसे बोला जा रहा है तो वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या कौन सी दोस्तों, 6 है, संख्या क्या है, 6, तो 6 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 8610/7×6, इतना करना है आपको सीधा सीधा। कितना आ रहा है देखो, 7 से संख्या को काटोगे तो 7 से कितनी बार कटेगा, ये 7 निम्न, यह कट गया आपका 7 × 7, 7 × 7 कितना बचा, 16 हो गया, 7 × 2 = 14 और 7 × 21 = 6, ठीक है, ये 0 आ गया, कितना आ गया 0, 6 × 3 = 18 और 6 × 12 = 13, 6 × 6 = 7, 7380 आपका आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों 7380 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसमें आपने कुछ नहीं किया, सीधी जो बोल रहा था उस चीज को तरीका लगाया और आपका आंसर निकल आया, ठीक है, इसे फटाफट से उतारिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ देते हैं, तो देखो 20% जोड़ रहे हो आप, 20% की जो वैल्यू होगी दोस्तों 1/5, मतलब पहले वैल्यू 5 थी, अब कितनी हो गई है, 6, जोड़ देते हैं तो हमें 7200 प्राप्त हो रहा है, मतलब 6 की वैल्यू कितने के बराबर है, 7200 के बराबर है, तो संख्या पूछ रहा है, संख्या कितनी थी प्रारंभिक, 5 थी, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7200/6 गुणा कितना करना है दोस्तों आपको, 5, तो 6 से काटोगे 12 × 72 = 12×60, कितना आ गया दोस्तों आपके सामने, 6000, तो 6000 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपके सामने जो क्वेश्चन है दोस्तों एकदम क्या होंगे, बड़े ही आसान तरीके से लग जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम बिना देर किए, तो मेरे अग्निवीर इसे देखो कि इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। यदि 2800 में हम उसका 37 सही 1/2% क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यदि 2800 में, 2800 क्या है, मूल संख्या है, तो 37 सही
एक बटे 2% को अगर आप देखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 37 दूनी 64 और एक कितने होते हैं 75/2 गुणा 1/100। अरे ठीक है ना, 25 से काटोगे 25 या 75, 25 चौके 100 कितना आ गया 3/4 दूनी 8। मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक संख्या 8 थी, उसमें 3 जोड़ के आपने संख्या कर दी 11। इसका मतलब यह हुआ संख्या कितनी थी 8 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है आपको, 2800 के बराबर है आपसे बोल रहा है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 11 प्राप्त हो रहा है, तो 11 की वैल्यू क्या हो गई है ना, तो ये वैल्यू आ गई 2800 बटे क्या जाएगी नीचे 11 सॉरी है ना 2800/8 गुणा 11। काटिए से 8 से कटेगा, 8 3 24 और कितना बच गया 40, 8 5 40 350 बार कितना आ गया 0 और 11 5 55 और 11 3 33 33 और 5 दोस्तों होते हैं 3800। 3850 का आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और जो भी बच्चे हैं क्लास देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों में और हमें क्या मिल सके, इससे मोटिव मिल सके और आपको आगे ये सीरीज कंटिन्यू करा सकें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि 4800 में हम 16/62 से ही 1/2% जोड़ देते हैं तो दोस्तों 62 से ही 1/2% क्या कर रहे हो आप, जोड़ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, 62 दुनी देखोगे 2 दुनी 4 और 6 दुनी 12 और 1 13 124 +1/2 इसका मतलब क्या हुआ 125/2। अब इसे सॉल्व करना है आपको 125 × 1/100 क्योंकि परसेंट हटाना है हमें। तो पर ये आप क्या कर रहे हो यार, कितना हो जाएगा 125/2 × 1/100 25 चौके 100 और 25 पन्ना 125 वैल्यू आ गई 5/8। मतलब क्या हुआ, पहले संख्या 8 थी, जोड़ा उसमें कितनी हो गई 13। बोल रहा है कि 4800 में, तो यहां पे 8 की वैल्यू कितने के बराबर है, 4800 के बराबर है, तो आपसे 13 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 4800/8 × 13 ठीक है, 8 से काटोगे 8 6 48 13 6 होते हैं 78, ये वैल्यू आ गई आपकी 7800। तो वो जो प्राप्त संख्या क्या होगी दोस्तों, वो 7800 होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसे फटाफट से उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। उतार लिया होगा सभी ने, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में यदि किसी संख्या के 64% में से उसी संख्या का 39% घटा दिया जाए तो 1500 प्राप्त होता है। तो क्या मतलब हुआ, एक संख्या मान लो एक संख्या थी x का कितना 64% परसेंट को सॉल्व माइनस 100 में से उसी संख्या का कितना दोस्तों, एक संख्या थी 39% क्या कर दिया गया, ये घटा दिया गया, तो आपको प्राप्त क्या हो रहा है 1500 प्राप्त हो रहा है। मतलब क्या हुआ, 64 में से 39 गए तो कितना हो गया दोस्तों 25x/100 बराबर कितना है 1500। 25 चौके 100 एक्स की वैल्यू 15 चौके 60 कितनी आ गई 6000 आ गई, सॉरी कितनी आ गई 6000 आ गई, 15 चौके 60 होते हैं तो कितनी आ गई 6000, एक्स की वैल्यू 6000। अब बोल रहा है कि उस संख्या का कितना 60% बटे कितना करना है 100, देखो ये 0 गई, कितना आ गया 6 6 3600, ये संख्या का कितना आ जाएगा 3600, ये आपका आंसर हो गया सीधा। देखो इसका एक तरीका और बताऊंगा, थोड़े टाइम के अभाव के कारण हम नहीं बता पा रहे, अगली क्लास आपकी नेक्स्ट डे होगी दोस्तों। तो देखो ये क्लास जो आपकी है दोस्तों, मुख्य फोकस दिया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली हेड कांस्टेबल पे, ठीक है। इस क्लास को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं और हमसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और इसकी दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपको टेस्ट सीरीज भी हम साथ ही साथ कराते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, जय हिंद दोस्तों।